बाज फल ऐसे हैं जो सेहत के लिए तो बहुत मुफीद होते हैं, लेकिन उनका जायका कड़वा होता है। लेकिन जैतून का फल न सिर्फ सेहत को बरकरार रखता है बल्कि इसका जायका भी नहायत खुशगवार होता है। जैतून का फल ज्यादातर अरब ममालिक और स्पेन में पाया जाता है और इस फल से तेल हासिल किया जाता है जिससे मुख्तलिफ तिब्बी फवायद हासिल किए जाते हैं। एक चम्मच जैतून के तेल में 119 कैलोरीज, 14 ग्राम फैट, 2 ग्राम विटामिन ई और 8 माइक्रोग्राम विटामिन के पाया जाता है। इसके अलावा जैतून के तेल में पोटाशियम भी पाई जाती है जो सेहत को बरकरार रखने के लिए जरूरी होती है। जैतून के तेल को अगर बाकायदगी के साथ मतवाजन मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो इससे बेशुमार तिब्बी फवायद हासिल किए जा सकते हैं। मगर आज की वीडियो में हम आपको 9 हैरत अंगेज फवायद बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नंबर 1, पेट की चर्बी से निजात। मोटापा लाहक होने की वजह से ज्यादातर अफराद के पेट और कमर पर बहुत ज्यादा चर्बी बन जाती है जिससे उनको बढ़ी हुई तूंद का सामना करना पड़ता है। तूंद के बढ़ने की वजह से भूख की शिद्दत में भी इजाफा होना शुरू हो जाता है जिससे इंसान ज्यादा मिकदार में गिजा इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। जैतून के तेल में फैटी एसिड्स काफी मिकदार में पाए जाते हैं जो भूख की शिद्दत को कम करने में मदद फराहम करते हैं, इसलिए इस तेल का इस्तेमाल पेट की चर्बी कम करने के मुअसर तरीकों में शामिल है। इसके अलावा जैतून के तेल को अगर घी के मतबादल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो जिस्म को नुकसानदेह कैलोरीज हासिल नहीं होती जिससे पेट की चर्बी कम होना शुरू हो जाती है। पेट की चर्बी को कम वक्त में मुअसर तरीके से कम करने के लिए जैतून के तेल को खाली पेट इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 2, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। जैतून का तेल न सिर्फ विटामिन ई और के जैसे मुफीद विटामिन से भरपूर होता है बल्कि इसमें न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स भी काफी मिकदार में पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और दायमी और खतरनाक बीमारियों के खतरात में कमी लाते हैं। इसके अलावा सोजिश की शिद्दत में भी कमी लाने के लिए इन्हें फायदेमंद समझा जाता है, जबकि ये खून के कोलेस्ट्रोल को ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं जिससे दिल की बीमारी के खतरात में कमी वाकई होती है। नंबर 3, आंतों की सेहत में बेहतरी। आंतों में मौजूद अगर मुफीद खुलियात को नुकसान पहुंचे तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। कैंसर से बचाव के लिए जैतून के तेल को अगर खाली पेट इस्तेमाल किया जाए तो आंतों के खुलियात को नुकसान नहीं पहुंचता जिससे कैंसर के खतरात में कमी आती है। इसके अलावा आंतों की सेहत बेहतर होने से कब्ज जैसी अलामात का भी सामना नहीं करना पड़ता। जैतून का तेल कब्ज के इलाज में मुफीद तो समझा जाता है, ताहम तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस तेल के इस्तेमाल से कब्ज की अलामात में फौरी तौर पर कमी नहीं आती। नंबर 4, सोजिश को कम करने वाली खसूसियात। दैमी सोजिश की वजह से कैंसर, दिल के मसाइल, मेटाबोलिक सिंड्रोम, मोटापे और टाइप 2 डायबिटीज का सामना करना पड़ सकता है, जबकि जैतून के तेल के इस्तेमाल से सोजिश की शिद्दत में कमी आती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जैतून का तेल सोजिश कम करने वाली अद्वियात की तरह काम करता है क्योंकि इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स सोजिश को कम करने में मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा जैतून के तेल में पाए जाने वाले फैटी एसिड भी सोजिश के खिलाफ मुफीद साबित हो सकते हैं। ये जिस्म में ऐसे प्रोटीन और जीन्स की अफजाइश को रोकते हैं जो सोजिश की वजह बन सकते हैं। नंबर 5, स्ट्रोक के खतरात में कमी। दिमाग में अगर खून जम जाए या खून के बहाव में खलल वाकई हो जाए तो स्ट्रोक का सामना करना पड़ता है। स्ट्रोक को एक खतरनाक अलामत समझा जाता है क्योंकि इसकी वजह से मौत का भी सामना करना पड़ सकता है। तिब्बी तहकीकात में ये बात सामने आई है कि जैतून के तेल के इस्तेमाल से स्ट्रोक के खतरात में कमी लाई जा सकती है। इस तेल की वजह से खून जमाव का शिकार नहीं होता जबकि इसका मतवाजन बहाव भी जारी रहता है जिससे स्ट्रोक का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 6, दिल की बीमारियों से बचाओ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक लोगों को सबसे ज्यादा दिल की बीमारियों की वजह से मौत का सामना करना पड़ता है। कुछ तहकीकात के मुताबिक मशरिक वुस्ता के लोगों को दिल की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जबकि इसकी वजूहात जानने की कोशिश की गई तो ये बात सामने आई कि जैतून के तेल के इस्तेमाल की वजह से अरब के लोग दिल की बीमारियों का शिकार नहीं होते। जैतून के तेल में ऐसे मुफीद गिजाई अज्जा पाए जाते हैं जो दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद फराहम करते हैं। इस तेल के इस्तेमाल की वजह से नुकसानदेह कोलेस्ट्रोल की मिकदार में कमी वाकई होती है और खून की शरियानों की सेहत में बेहतरी आती है जिससे दिल बेहतर तरीके से अफाल सर अंजाम देता है। इसके अलावा जैतून के तेल की वजह से हाई ब्लड प्रेशर में भी कमी आती है जो कि दिल की बीमारियों की वजह बनता है और बाज़ औक़ात मौत का भी सबब बनता है। इसके अलावा जैतून के इस्तेमाल से हाई ब्लड प्रेशर की अद्वियात के इस्तेमाल में 48% तक कमी लाई जा सकती है। नंबर 7, हड्डियों की सेहत में बेहतरी। क्योंकि जैतून का तेल पॉलीफेनोल्स से भरपूर होता है इसलिए इसके इस्तेमाल से उम्र में इजाफे की वजह से हड्डियों के मसाइल के खतरात में कमी लाई जा सकती है। जैतून के तेल का इस्तेमाल हड्डियों के बनने के अमल को बेहतर बनाता है और उन्हें कैल्शियम जज़ब करने में मदद फराहम करता है। एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक जो लोग बाकायदगी के साथ जैतून का तेल इस्तेमाल करते थे उनमें हड्डियों के मसाइल के खतरात में 51% तक कमी आई। तमाम तिब्बी माहरीन के मुताबिक जैतून के तेल के इस्तेमाल और हड्डियों की सेहत में बेहतरी के तल्लुक को तफसील से जानने के लिए मजीद तिब्बी तहकीकात की जरूरत है। नंबर 8,
दिमागी अमराज के खतरात में कमी। जैतून के तेल के इस्तेमाल से अल्जाइमर और भूलने की बीमारी से बचा जा सकता है। जैतून के तेल में पाए जाने वाले फेनोलिक अज्जा ऐसे कंपाउंड्स को खत्म करते हैं जो दिमागी तंजली का बायस बनते हैं। दिमाग की सेहत को बेहतर बनाने और इसके मसाइल से मुअसर तरीके से बचने के लिए जैतून के इस्तेमाल को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इसे कुछ दिनों के वक्फे या बेकायदगी से इस्तेमाल किया जाए तो मुअसर नतायज हासिल नहीं होंगे। नंबर 9, जोड़ों के मसाइल से निजात। जोड़ों का दर्द शदीद बेचैनी का बायस बन सकता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस दर्द की वजूहात के मुतालिक इख्तलाफ पाया जाता है। तहम जब मुदाफियती निजाम गलती से जिस्म के सेल्स पर हमला आवर होता है तो जोड़ों के दर्द का सामना करना पड़ता है। जैतून के तेल से बने हुए सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल से जोड़ों के दर्द में मुब्तला अफराद में सोजिश कम होती है और ऑक्सीडेटिव दबाव में भी कमी आती है, जिससे दर्द की शिद्दत कम होना शुरू हो जाती है। जोड़ों के दर्द के खिलाफ मुअसर नतायज हासिल करने के लिए मछली के तेल को जैतून के तेल के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है।